नमस्ते, माई सेल्फ दृष्टि, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ और मेरा गांव का नाम द्यूली है। मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ फ़ोटोग्राफी सीखने आए हैं, जो कि हमें ऋषिकेश फ़ोटोग्राफी क्लब सिखा रहे हैं। मैं फ़ोटोग्राफी लगभग 8th क्लास से कर रही हूँ। फिर मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है। जो मैंने पहली फ़ोटो खींची थी तो वो थी एक मून के साइड की थी। जैसे मैं पहाड़ में रहती हूँ तो पीछे एक माउंटेन सा था, उसके पीछे एक मून आ रहा था। फिर मैंने एक स्टार बनाए थे ड्राइंग पेपर के, जो स्टार थे उसके बाद वो स्टार आगे थे और एक विंडो पे लटकाया था। फिर उसके वजह से एक विंडो भी आ रही थी और पीछे पहाड़ के साइड का वो मून भी दिख रहा था। उसकी वजह से वो फ़ोटो बहुत पसंद आई थी। RPG की टीम आई, उन्होंने हमें कैमरे के बारे में बताया कि कैमरा क्या होता है, उसका हमें यूज़ कैसे करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। फिर उन्होंने हमें कैमरे के बारे में बताया कि कैमरा कैसे जूम ऑन होता है, कैसे उसमें फ़ोकस लगता है, कैसे फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं, किस मोड से करते हैं, कैसे उसमें फिर एडिटिंग वगैरह होता है, वो सब हमें RPG ग्रुप ने बताया। आज मैंने पहली बार कैमरे हाथ में पकड़े, ग्रुप ने दिया वो कैमरे, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, बहुत अच्छा लगा हमें। मेरा नाम आदित्य चौहान है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ और मेरा ग्राम का नाम द्यूली है। और मुझे फ़ोटोग्राफी करना अच्छा लगता था, मगर हमारे पास वो साधन नहीं थे जिससे हम अच्छी तरह से फ़ोटोग्राफी कर पाए। तो आज RPC के द्वारा हम यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने पहली बार कैमरा पकड़ना सीखा कि किस एंगल से फ़ोटो को खींचा जाए, क्लिक किया जाए, वो करना सीखा हमने। अगर मेरे पास कैमरा आए तो मैं सबसे पहले अपना वातावरण, यानी कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं, उस तरह की फ़ोटो खींचेंगे, यानी कि हमारे आसपास के पहाड़, बादल, जंगल, मतलब यानी कि जो कुछ भी हमारे आसपास है उसकी फ़ोटो खींच के हम सोशल प्लेटफॉर्म में अपलोड करेंगे, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमने पहली बार कैमरा लिया हाथ में और हमने बहुत कुछ सीखा। मेरा नाम अभिषेक गौड़ी है, मैं कक्षा 11th में पढ़ता हूँ और मैं ग्राम मौन से हूँ। जो हम फ़ोटो खींचते हैं हम उसको सोशल मीडिया के जरिए किसी और को भी दिखा सकते हैं, जिससे कि उनका भी उत्साह बढ़े और ताकि वो भी इस कार्य को करें। आज मैंने पहली बार कैमरा पकड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपने 1517 साल में मैंने पहली बार कैमरा पकड़ा और मुझे अपने पे गर्व फील हुआ। और जैसे मैं अपने दोस्तों को मिलूँगा घर जाके तो मैं उनसे अपनी बातें कहूँगा कि आज मैंने कैमरा पकड़ा, मैंने फ़ोटो क्लिक करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने किस तरह जूम करके हर चीज़ों को देखा। तो हमें उनके साथ ये भी पता चला कि हम फ़ोन से भी अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं। फोटोग्राफी होने तो कोई नहीं करते, पर अब गर्म जगह पर मैं अब दोस्त बतौल तो उन फिर बहुत खुश हों कि पहली बार कैमरा पकड़ते थे तो समझ सकें थे। सर, आज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि आज से पहले हमने कभी ऐसी कोई चीज़ें सीखी नहीं थी। तो जब हमने पकड़ा तो हमें नॉलेज हुआ कि इसमें ये बटन है, ये इस तरह से काम करता है, इससे फ़ोटो क्लिक होती है। सर, जैसे हमने आज सीखा तो हमारा नज़रिया थोड़ा बदल चुका है पहले से, कि अब हम इससे भी बेहतर सीन क्रिएट कर सकते हैं। आज हमारे गांव में RPC और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा एक रूरल फ़ोटो वॉक कराया गया। हमारे क्लास के और हमसे छोटे क्लास के बहुत सारे बच्चे आए थे, सभी को कुछ नया सीखने को मिला और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला उस रूरल फ़ोटो वॉक से। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज RPC ने मुझको अपने एरिया का कोऑर्डिनेटर बना दिया है। उन्होंने मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कि ये फ़ोटो वॉक मैं अपने एरिया में कंटिन्यू करता रहूं, और मैंने अपने साथ कुछ फ्रेंड्स हैं 7-8 लगभग, उनको अपने साथ ज्वाइन किया है और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फ़ोटो वॉक इन विलेज करके। जब हम गांव में गए तो हमें वहां एक दादी दिखी, तो मैंने उनके सबसे पहले मैंने जाकर उनके पाँव छुए
फिर मैंने उनका एक पोर्ट्रेट फोटो खींची और फिर मैंने उनको बताया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब गाँव वालों ने हमारे हाथों में कैमरे देखे तो वो बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि हमारे यहाँ के बच्चे भी अब कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं एक गांव का निवासी हूँ और मुझे गांव में बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाते हैं फ़ोटोज़ के लिए, और मुझे यहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है और मैं फ़ोटोग्राफी को बहुत इन्जॉय करता हूँ अपने गाँव में।